हेलो, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आज की लोकेशन है नंगर पार्कर की तरफ। तो डे वन था वहाँ से गांव तक, बदीन से गांव तक, तो वो हो गया कंप्लीट। अब डे टू है थर्ड ट्रिप में। तो आज का ट्रिप ये है कि आज जाएंगे हम नंगर पार्कर की तरफ। ये पीछे व्यू देख रहे हैं, ये फुल माउंटेन है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आगे चलते हैं नंगर पार्कर की तरफ, बहुत ही अच्छा व्यू है। मस्जिद घूमेंगे, मंदिर घूमेंगे और माउंटेन है वो भी दिखाएंगे, और बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस। और शायद बारिश भी आए। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। अभी बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। अभी हम जबल के अंदर से जो रास्ता है वहाँ से जा रहे हैं। तो फुल चारों तरफ ये जबल है, माउंटेन है, ये देख सकते हैं फुल आप। तो भाई बहुत ही मज़ा है, बहुत ही इंजॉयफुल ट्रिप जो। तो अभी चलते हैं, कोई सीन बनता है आपको दिखाते हैं, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे। भाई भाई साहब, क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। ये गाइस बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, ये देख सकते हैं फुल जबल चारों तरफ। में से जो रास्ता है वहाँ से हम जा रहे हैं, और भाई ये देखो व्हाट अ सीन यार। ये पेट्रोल की बचत हो रही है, पेट्रोल की बचत हो रही है। चेक करें भाई। सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है। अभी और जगह जाएंगे, घूमेंगे, सब दिखाएंगे आपको। सब्सक्राइब लाजमी बनता है चैनल को, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और उससे हम आगे जबलों के बीच में कोई भी नहीं है, तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में, व्यू आप देखो। और भी जगह जाएंगे हम, मस्जिद जाएंगे और मंदिर भी जाएंगे। व्यू चेक करें और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं हम थोड़ी देर में। साफ व्यू चेक कर सकते हैं, यहाँ से उतरेंगे हम, ये आगे जाएंगे गाइस। लोगों ने बताया कि आगे मंदिर है और पानी वानी भी है, आगे मंदिर भी है, तो उन्होंने बताया, तो इसलिए हम यहाँ पैदल ही जा रहे हैं, पीछे गाड़ियाँ छोड़ के। तो अभी चलते हैं, व्यू दिखाते हैं आपको। बस सब्सक्राइब आपको करना है और कुछ नहीं करना, बाकी दिखाना हमारा काम है, फुल व्यू दिखाना हमारा काम है। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, उसको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर दो, आगे मिलते हैं। आगे चश्मे बह रहे हैं, कह रहे हैं, तो देखते हैं। ये देख रहे भाई, चलते हैं आगे, ऊपर चढ़ना है तो देखते हैं। साहब देखो गाइस, ये ऊपर से चश्मा आ रहा है। ओ ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये नारायण कागान, ये सभी गर्मी देखो यार। हाय 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 हाय, बहुत गर्मी है। और आधे सफर तक पहुंच गए, मगर आगे बहुत धूप है, गर्मी है, तो इसलिए आगे नहीं जा रहे, यहीं तक हैं, फिर वापसी जाएंगे। ये देखें, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। अभी आगे और व्यू है, और आगे बहुत ही अच्छा व्यू है,
तो चलते हैं शायद अभी वापसी जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी थी भाई सोच ही नहीं सकते। चारों तरफ जबल थे, माउंटेन थे और हवा कहीं से आ रही नहीं थी। अभी बाहर निकले तो थोड़ी हवा लगी है, सांस थोड़ी आई है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तब तक ये देखिए आप मंदिर जो बना हुआ है पहाड़ों के बीच में, एंजॉय करें लोग एंड आल्सो सब्सक्राइब। सॉन्ग्स गाते हैं तो कुछ लोग आते हैं पैसे देते हैं, कुछ लोग तो ऐसे चले जाते हैं। और ये वो जबल है, ये वो माउंटेन है, ये वो पहाड़ है जो तकरीबन सब लोग यहाँ आते हैं। तो ये नमस्ते, ये फुल व्यू ये है जो लोग यहाँ आते हैं। कारुंजो जबल जिसको कहा जाता है, सबसे टॉप पे जो झंडा है ये गाइस वो जबल है, यहाँ से रास्ता जाता है वो ये टॉप पे जाता है। दो बार जा चुका हूँ तो ये मैं पिक्स लगा रहा हूँ। ये देखे मेरे अगले साल की है, तो ये मैं गया था और यहाँ बहुत लोग आते हैं, अभी भी बहुत लोग हैं। अभी तो दिन में सुबह का टाइम है, शाम को तो इतनी रश होगी यहाँ पर और बहुत रश होगी। तो ये फुल देख सकते हैं माहौल। तो अभी हम मिलते हैं आपसे आगे या मिलेंगे थोड़ी देर में, अभी बहुत गर्मी हो रही है इसलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब लाजमी करें। ये ब्रिज देखें भाई, यहाँ से आगे का रास्ता निकलता है और वहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है डायरेक्ट। वो यहाँ टॉप पे दो झंडे हैं जो पाकिस्तान का, एक जीएसएन का है, वहाँ पर ये टॉप पे वहाँ पर जाते हैं लोग। तो मैं दो दफ़ा तो जा चुका हूँ और वो मैं पिक्स लगा दूँगा इस व्लॉग में, तो आप लीजिएगा झंडे के साथ मेरी पिक्स है। और ये ब्रिज है और जब बारिश होती है तो यहाँ से मीन के नदी बहती है यहाँ से फुल, और ऊपर से बारिशों में पानी आता है ऐसे ऐसे। तो बहुत ही मज़े वाला व्यू है। आज बारिश पता नहीं क्यों नहीं है, मगर वैसे तो बारिश रोज़ यहाँ होती है मगर आज नहीं है। और ब्रिज देख सकते हैं, फुल व्यू है भाई, सब्सक्राइब लाजमी बनता है। अभी और जगह बहुत जाना है, तो अभी दिन का टाइम, मेरे आवाज़ से आपको लगा होगा कि बहुत थक चुके हैं भाई, हमने रात भर नींद नहीं की। मैं 2 बजे सोया हूँ और 3:30 बजे फिर उठ गया, फिर कचहरी हमने की सुबह तक, फिर यहाँ आ गए डायरेक्ट। तो इसलिए ये देख सकते हैं बहादुर।
अभी हमारे डैम पे, क्योंकि यहाँ पर नहाना था तो इसलिए अभी हम नहाएंगे, कुछ सीन्स दिखाएंगे आपको। ये देखो कितना पानी है डैम में, ये फुल और व्यू में दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई यहाँ से जबल का, यहाँ आप नहा रहे हो, ऊपर से आपको व्यू देखो ऊपर, ओए होए। तो अभी हम देखते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, ये फ्रेश वाटर है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तो वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना, तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, तब तक वीडियो बने रहे। व्यू देखिए यार पीछे आप ना रहे हैं और सामने ये व्यू, हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना, मिलते हैं हम आगे। आए हैं बोडेसर मस्जिद पे, जो बहुत ही पुरानी कदीमी दौर की मस्जिद है। तो ये देख सकते हैं आप, ये फुल ये स्टॉप करके पढ़ने या ये इसकी हिस्ट्री मीन के कब बना ये। तो अभी चलते हैं हम अंदर, वैसे ये आप स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं हम अभी आगे। तो ये बहुत ही कदीमी दौर की मस्जिद है, कहते हैं कि ये रातों रात ऐसे ही फरी के बन गई थी। तो मुझे इतना तो नहीं पता, मैं आपको ऐसे ही इतना बता रहा हूँ, और आप तो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे मज़ीद जानकारी के लिए। और ये देख सकते हैं ये फुल व्यू है इसका। और अभी चलते हैं हम अंदर, तो चलते हैं अभी अंदर, तो फुल व्यू आपको दिखाता हूँ। एंड ये फुल व्यू, ये देखो गाइस, ये है वो मस्जिद बोडेसर जो मशहूर है, जहाँ लोग आते हैं विज़िट करने। इसको मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, ये सब पुरानी पुरानी तकरीबन 800 साल पुरानी है। अच्छा मिठाई कह रही हूँ पुरानी दौर की तामीर हुई है, इसमें कोई भी नया काम नहीं हुआ है। अंदर से आप देख सकते हैं ये फुल व्यू ये है। तो बाहर से तो ये पुरानी तामीर हुई है, और इसमें कोई भी नया मीन के भी नई चीज़ें नहीं लगाई। ये पीछे का व्यू है, सब पुरानी है। तो क्या आपको ये भी पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब चैनल को कर दें। अभी देखते हैं कोई सीन बनता है तो आपको बताते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब गाइस। हम आगे क्योंकि वहाँ लोकेशन बहुत अच्छी है, इसलिए इंस्टा की या फेसबुक की पिक्स निकालने जा रहे हैं। तो आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर दें, एम का शंदल। तो मैं यूट्यूब की वहाँ अपडेट देता रहता हूँ और स्टोरी लगाता रहता हूँ कि तो हर नई अपडेट देता रहता हूँ। तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं एम का शंदल। तो देखते हैं हम पिक्चर्स निकालते हैं लोकेशन पर, मंदिर पर एंजॉय करें और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना व्लॉग को। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये बोडेसर डैम पे आए हैं, एक और डैम पे, इसका व्यू आपको दिखाते हैं पीछे। ये फुल डैम पानी हो भरा हुआ।
गाइस इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। तो ये व्लॉग होप कि आपको पसंद आया होगा। हमने थर में डे टू तकरीबन बहुत घूमा, बहुत आपको व्यू दिखाया। तो अभी हम जाएंगे जो दूसरा गांव है वहां जाएंगे एक रात, तो वहां स्टे करेंगे, फिर सुबह सवेरे निकलेंगे हम बदीन की तरफ। तो मिट्टी में जाएंगे, शायद दोस्त हैं वहां पर, तो वहां थोड़ी देर रुकें, तो वहां से फिर जाएंगे हम तारिक बदीन। तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग अलग आएगा। इस व्लॉग को आपने शेयर करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब तो लाजमी करना है। एंड हो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत सी जगहें मैंने दिखाई और मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस था व्लॉगिंग का। तो मैं दो दफ़ा आ चुका हूँ मगर मैंने व्लॉग या कुछ भी नहीं बनाया था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, आपको दिखाया, फुल व्यू दिखाया, कारंजर जबल एंड डैम एंड जो वो था जो मस्जिद थी। अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड, सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तो अपना ख्याल रखें, तो सब्सक्राइब लाजमी करना। खुदा हाफिज़।